तो हेलो बड़े दोस्तों, फ्रैक के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक के न्यू अपडेट वॉल्यूम 3 जो कि है गाइस V3। आप लोगों को शायद से पता ही होगा गाइस, और ये जो अपडेट है गाइस ये काफ़ी खतरनाक होने वाला है। जितने भी सारे फीचर है गाइस एकदम टॉप नॉच है गाइस। और दोस्तों, फ्रैक वॉल्यूम 3 के अपडेट के रिलेटेड जितने भी लीक्स एंड डिटेल्स मुझे मिला है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल पर तो सब्सक्राइब मारो गाइस, क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ इसी चैनल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं फ्रैक वॉल्यूम 3 के जो लीक्स है गाइस वो मुझे कहाँ से मिला है। तो आप लोगों को शायद से पता ही होगा गाइस, फ्रैक प्रो शूटर ऑफिशियल चैनल में कुछ दिन पहले एक टूर्नामेंट के बारे में पोस्ट किया गया है गाइस। और उस पोस्ट में अगर आप लोग चेक करोगे तो एक लिंक भी है, और उस लिंक पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेज आता है गाइस। उसी पेज में आप लोगों को सारे जो फ्रैक V3 के गाइस लीक्स एंड इन्फॉर्मेशन है, अरे यार बोलने से अच्छा आप लोगों को दिखाई देता हूँ गाइस। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पोस्ट जिसमें आप लोगों को फ्रैक V3 के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पे जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओगे, आप लोगों को एक लिंक मिलेगा पिन हुआ, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने गाइस ये पेज आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रैक V3 के न्यू फीचर्स और पैच नोट्स के बारे में है गाइस। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो फ्रैक V3 के ब्रांड न्यू फीचर जो कि है गाइस आर्गमेंट्स। और ये गाइस आर्गमेंट्स क्या है मैं सारा कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहो गाइस। और लेकिन गाइस पहले बात कर लेते हैं जो टूर्नामेंट है हमारा फ्रैक के, इसमें आप लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करना है। मुझे पता है गाइस आप में से बहुत से होंगे इंटरेस्टेड इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके क्लब को टॉप 6 में आना होगा ग्लोबल क्लब लीडर बोर्ड में। जैसे आपके क्लब लीडर बोर्ड में आ जाएगा टॉप 6 में नेक्स्ट सीजन में, तो आपके क्लब के 3 मेंबर जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर गाइस किसी कारण टॉप 6 के लीडर बोर्ड में से कोई क्लब अगर पार्टिसिपेट नहीं करता इस टूर्नामेंट में, तो टॉप 7 नंबर पे जो रहेगा उसे चांस दिया जाएगा। और गाइस इन 6 टीमों को छोड़ के और भी 4 टीम रहेगा, जिसमें गाइस फ्रैक प्रो शूटर ऑफिशियल के कंटेंट क्रिएटर्स और डिस्कॉर्ड मेंबर्स रहेंगे। और इनमें से गाइस हमारा भी एक टीम रहेगा जो कि गाइस आप लोगों को शायद देखने को मिल जाए अगर हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल और फाइनल में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस टूर्नामेंट किस तरीके से होने वाले और क्या रूल्स रहेगा इस टूर्नामेंट के। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, एक टीम में 3 मेंबर्स रहेगा, और 3 मेंबर्स में से 2 अगर जीत जाता है ड्यूअल मैच तो उसका टीम जो है जीत जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और दोस्तों, ये जो हमारा टूर्नामेंट है गाइस, ये टूर्नामेंट के जो मैप होगा वो होगा ब्रिज मैप, जो कि गाइस आप लोगों को गेम प्ले दिख ही रहा होगा, ये है ब्रिज मैप की गेम प्ले। और गाइस इस टूर्नामेंट में अगर आपकी टीम में से 2 मेंबर सीरियली जीत जाता है नंबर 1 और नंबर 2, तो उसको और खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 मेंबर्स में 2 मेंबर जीत चुके हैं तो ऑलरेडी उस जो ओपोनेंट का टीम है वो हार चुके हैं, तो तीसरा मैच आप लोगों को खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की। तो दोस्तों, पहले रूल्स ये है जिसमें हमें बताया गया है कि एक ही क्लब में एक ही टीम होगा। और दूसरा है गाइस, आप लोगों को टूर्नामेंट में एक डेट और टाइम बताया जाएगा गाइस, उसी हिसाब से आप लोगों को खेलना है। अगर आप लोग एब्सेंट रहते हो किसी कारण, अगर आपकी टीम नहीं खेल पाता है उस टाइम, तो आपका जो ओपोनेंट है गाइस वो क्वालिफाई कर जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए और आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और दोस्तों, जितने भी रूल्स है ये रूल्स नहीं है, ये बेनिफिट है, क्योंकि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेगा इस टूर्नामेंट में उसे फ्रैक V3 मिलेगा पहले ही टेस्ट करने के लिए, और उसमें गाइस जितने भी कैरेक्टर्स है वो अनलॉक मिलेगा। लेकिन गाइस हमें कोई फ्रैक पावर या फिर इम्प्लस अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा, और जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे वो लेवल 9 के रहेगा। लेकिन गाइस हमारा जो फ्रैक के V3 के ब्रांड न्यू फीचर्स है आर्गमेंट्स करके वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये आर्गमेंट्स है क्या और ये गेम में किस तरीके से काम करेगा। तो गाइस आर्गमेंट्स का डेफिनेशन देख सकते हो, जो कि है गाइस मेक ग्रेटर मोर पावरफुल और मोर इंटेंस। इसका गाइस एक ही मतलब होता है गेम में, जो कि हमारा कैरेक्टर्स है गाइस वो और भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा। वैसे अगर आप लोग ब्रॉल स्टार खेलते हो तो आपको पता ही होगा, अगर आप लोग ब्रॉल स्टार में किसी को मारते हो तो वहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का कॉइन वगैरह ग्राउंड में पड़ा हुआ मिलता है, उसे जैसे आप लोग कलेक्ट करते हो तो आपका जो कैरेक्टर है गाइस गेम का वो ज़्यादा लेवल का हो जाता है और उसका पावर भी ज़्यादा होता है। लेकिन गाइस ये फ्रैक में किस तरीके से इस्तेमाल होगा मुझे पता नहीं, लेकिन गाइस आप लोग ब्रॉल स्टार का गेम प्ले देख सकते हो इस तरीके से ये आर्क मैच वर्क करता है। तो दोस्तों, ये तो होगी ब्रॉल स्टार की बात है, ब्रॉल स्टार में किस तरीके से आगमेंट वर्क करता है आप लोग देख ही सकते हो गाइस, और गेम प्ले को कितना इंटेंस कर रहा है आपको पता ही चल रहा है गाइस। मेरा हेल्थ बार देखो कितना ज़्यादा हो गया। अब ये फ्रैक में किस तरीके से वर्क करेगा गाइस आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.